आज की मेरी किचन टिप है कि अक्सर ऐसा होता है कि कॉफी और बॉर्नविटा जो है वो सिल जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरी टिप्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक तो ये है कि आप कॉफी और बॉर्नविटा को हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करें, तो उससे उनकी शेल्फ लाइफ और उनका टेस्ट जो है वो दोनों ही एनहांस होते हैं। और फ्रिज में आप कहेंगे कि जगह नहीं है, तो आप उसे फ्रीजर के डोर में भी स्टोर कर सकते हैं। फ्रीजर के डोर की साइड पे भी कूलिंग रहती है, तो वहां पे आप स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी टिप मेरी ये है कि आप कॉफी या बॉर्नविटा के बॉक्स में कभी भी स्पून नहीं रखें। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने इसे मिक्स तो किया ही नहीं, इसके साथ तो गीला स्पून नहीं था, पर जनरली क्या होता है कि हम उसमें से बॉर्नविटा लेते हैं और उसे दूध के ऊपर से ही डालते हैं, तो इसकी वजह से जो नीचे से दूध की हीट आ रही होती है, वो स्टीम जो आ रही होती है, वो हमारी पूरे स्पून पे लग जाती है, तो स्पून हल्का सा उसमें स्टीम लग जाती है तो वो गीला हो जाता है और वो मॉइस्चर हमारे कॉफ़ी या बॉर्नविटा के बॉक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉर्नविटा या कॉफ़ी है वो सिल जाते हैं। तो ऐसा आप नहीं करें, जब भी आप उसमें से बॉर्नविटा या कॉफ़ी पाउडर यूज़ करें तब आप नया स्पून लें, फ्रेश स्पून लें मतलब, और जो स्पून है वो गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। तो अगर आप इन दोनों ट्रिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके कॉफ़ी और बॉर्नविटा कभी भी नहीं सीलेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई ट्रिप के साथ।